WTV देखने और सुनने वाले सभी मुअज्जज दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के कदीम तरीन शहर और तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल की। मज़ीद तफसील में जाने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगी कि आप WTV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस्तांबुल तुर्की का एक बड़ा शहर है। ये शहर यहाँ की बहुत सी सल्तनतों के सकाफती असरात को जाहिर करता है। इस्तांबुल का शुमार दुनिया के बड़े शहरों में होता है। आलमी तौर पे दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा शहर और यूरोप का दूसरा बड़ा शहर है। इस्तांबुल आप नाए फास्फोरस के दोनों जानेब वाकया है। इस तरह ये दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जो दो बर्रे आजमों में वाकया है। शहरी हदूद 1539 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर कई सल्तनतों का दारुल हकूमत रहा। इस शहर की आबादी तकरीबन 88,04,000 से जायद है। इसी शहर ने तारीख में मकीनों की सकाफत, जुबान और मजहब के साथ साथ कई नाम बदले। इस शहर को सात पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है। शहर के खूबसूरत मोहल्ले वकू की वजह से ही ये कई मुहासरों के बावजूद भी फतह ना हो सका था। इस्तांबुल की सियाहत भी मुल्की तरक्की में अहम जुज समझी जाती है, क्योंकि दुनिया भर से सैर व सियाहत के लिए लोग इस्तांबुल का ही रुख करते हैं। हर साल लाखों सयाहों की आमद मुल्की तरक्की में मुस्बत नतायज शामिल करती है। इस शहर में 17 तारीखी महल, 64 मसाजिद और 49 गिरजाघर शामिल हैं। अगर इस्तांबुल की तारीखी चीजों का जिक्र किया जाए तो नीली मस्जिद का नाम सबसे पहले आता है। इस मस्जिद का नाम सुल्तान अहमद था और इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं। इसकी तामीर 1909 में मुकम्मल की गई। इसकी अंदरूनी दीवारों पर नीली टाइलें लगाई गई हैं। फास्फोरस ब्रिज, आप तुर्की जाएं और इस पुल को ना देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही वो पुल है जो यूरोप और एशिया को आपस में मिलाता है। इस पुल को 2016 में शोहदा ब्रिज का नाम भी दिया गया था। इस पुल की तामीर 1973 में मुकम्मल हुई और इसकी लंबाई 1 मील है।